आज पूरे देश के अंदर अगर वास्तविक जरूरत की कोई बात करता है, स्कूलों की कोई बात करता है, हॉस्पिटल की कोई बात करता है, बच्चों के रोजगार की कोई बात करता है, बिजली की बात करता है, पानी की कोई बात करता है, तो एक ही शख्सियत है अरविंद केजरीवाल, जो जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते। हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने दिल्ली को बदला, जिन्होंने पंजाब को बदला, अब हरियाणा का नंबर है। बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। केजरीवाल जी ने 5 गारंटी दी, 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली, हर गांव में बढ़िया मोहल्ला क्लिनिक डिस्पेंसरी, हर गांव में अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज, हर महिला को 1000 रुपए महीना और हर युवक को रोजगार। केवल केजरीवाल जी हैं जिन्होंने जो कहा वो किया। दिल्ली के अंदर आज तक जो कहा वो सब कुछ पूरा किया, पंजाब में जो कहा वो सब कुछ पूरा किया। परंतु बात अगर मैं हरियाणा की करता हूं तो हरियाणा के अंदर ना बिजली है ना हॉस्पिटल, स्कूल बंद होते जा रहे हैं, महिलाओं का गुजारा नहीं होता और बेरोजगारी में नंबर 1 है। हरियाणा को भ्रष्टाचार की सरकार कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 100 करोड़ रुपए से ऊपर सहकारिता विभाग में घोटाला किया, पेंशन घोटाला किया, पेपर लीक घोटाला किया, 4 लाख बच्चे स्कूलों में फर्जी दिखा दिए, उनकी किताबों के पैसे खा गए, उनके यूनिफॉर्म के पैसे खा गए। हरियाणा के अंदर स्टेडियम बनता तो 40 करोड़ रुपए का घोटाला सामने निकल के आता है, 10,000 करोड़ रुपए का शराब का घोटाला है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले, जिनका एक अध्यक्ष तो रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए पकड़ा गया था, 4 साल की जिसको कैद हुई और 1 लाख रुपए जुर्माना, ये कफन को भी चुरा के बेचने वाले भारतीय जनता पार्टी वाले आज इस प्रदेश को लूट लूट कर खा गए। केवल और केवल भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार, चाहे वो प्रॉपर्टी की आईडी की बात कर लूं, चाहे वो फैमिली आईडी की बात कर लूं, चाहे वो राशन कार्ड खत्म होने की बात कर ले। और किसानों की तो इतनी दुश्मन है, 750 किसानों ने शहादत दी, लगातार 1.25 साल तक दिल्ली बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे रहे, प्रधानमंत्री वायदा करके मुकर गए, और आज भी ये खनौरी बॉर्डर के ऊपर इतने समय से किसान धरने पर बैठे हैं। हाईकोर्ट ने कह दिया किसान को दिल्ली जाने दो, क्यों रोकते हो किसान को? परंतु कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ये हरियाणा सरकार किसान को जानबूझ के रोकी जा रही है। और सबसे बड़ी बात, किसान के जले पे नमक छिड़कने के लिए जिन अधिकारियों ने किसानों को पीटा, जिन अधिकारियों ने किसानों के ऊपर झूठे मुकदमे बनाए, जिन अधिकारियों ने गोली चलाई, आज उन अधिकारियों को ग्लैंट्री अवार्ड देने की बात ये सिफारिश सरकार कर रही है। ये सरकार का इतना बुरा हाल है, आजादी के 75 साल बाद भी 24 घंटे बिजली के कट हैं, महंगे बिजली के बिल हैं, हर घर के अंदर पीने का मीठा पानी आज तक पहुंचा नहीं पाए, 8,000 से ऊपर स्कूल बंद कर दिए, शिक्षकों की पोस्ट खाली पड़ी हुई है। अब जरूरत है कि हम हरियाणा के अंदर भी हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को लाएं, हरियाणा को भी वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएं। हरियाणा के अंदर भी अरविंद केजरीवाल जब आएंगे, दिल्ली और पंजाब की तरह आज उसको बदलेंगे।